तो इस वीडियो के अंदर सावेन और सावे के बीच एक फाइट होने वाली है जो कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे बेस्ड होगी। और ये फाइट कैसे होने वाली है हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आज से 2 साल पहले ही टीयर 7 के एल्केमिस्ट बन चुकी थी। इसके साथ ही हम देखेंगे आखिर सावेन की असली स्ट्रेंथ क्या है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँ बैटल थ्रू द हेवंस सीजन 7 पार्ट 208018 को। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सभी का ट्रायल शुरू हो गया था और सबसे ज्यादा जिसके स्कोर आए थे वो सावेन होता है, जिसने अपनी बिना पूरी ताकत दिखा दे सावे के 2 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। तो अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में सावेन अपने मन में कहता है आखिर ये लड़की मुझे ऐसे क्यों देख रही है। ये कहने के साथ ही उसने अपनी नजर को शिफ्ट कर लिया था एल्डर सेंग्याओ की तरफ। इधर एल्डर सेंग्याओ अपने पास से कुछ चीज को निकालने के साथ ही सभी को बताते हैं कि अगला ट्रायल होने वाले स्पिरिचुअल कंट्रोल करने की। जैसे कि तुम सभी को पता है पिल रिफाइनिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होती है एनर्जी को अपने कंट्रोल करना। अगर पिल रिफाइनिंग के दौरान तुम्हारे एनर्जी के साथ कुछ भी गड़बड़ हुआ या फिर तुम्हारे हाथ से तुम्हारी एनर्जी निकला तो तुम पिल रिफाइन नहीं कर पाओगे या फिर तुम फर्नेस के अंदर धमाका भी कर सकते हो। इसलिए सेकंड ट्रायल भी तुम्हारे लिए काफी जरूरी है। इस ट्रायल के अंदर तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल रखने के साथ ही इसे पकड़ना होगा। इसके साथ ही अगर तुमने ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया तो वो ये बोल उसी समय नष्ट हो जाएगी। इसलिए तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पे अच्छे से कंट्रोल करके इसे पकड़ना और सबसे ज्यादा जिसके भी होंगे उसी चीज को देखते हुए तुम्हें रैंक दिया जाएगा। ये सुनने के साथ ही सभी लोग नोट करते हैं। ये कहने के साथ ही एल्डर सेंग्याओ फिर से सावे की तरफ देखने लग गए थे। इसके साथ ही वो सभी को बताते हैं इसका भी रिकॉर्ड सावे ने बनाया है जो की 89 का था। और जब से सावे ने इस रिकॉर्ड को बनाया तब से किसी भी व्यक्ति ने इसके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है। ये कहते हुए उनकी नजर जा चुकी थी वापस से सावेन पे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद से सावे का रिकॉर्ड सावेन इस पर तोड़ दे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें नहीं लग रहा था कि सावेन सावे के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, और उनमें से एक सावडो भी था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है भले इसने मेरी सिस्टर की पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया बट इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता क्योंकि हमेशा तुक्का नहीं लगता है। इसके साथ ही वो काफी खुश हो रहा था क्योंकि सावडो को ऐसा लग रहा था कि सावेन को पिछली बार सिर्फ तुक्का लगा होगा। जैसे उसने ये शब्द कहा उसी समय हम सावे को देखते हैं जो की एक स्माइल से उसकी ओर देखते हुए उससे कहती है ये लड़का लक पर रिलाई नहीं करता बल्कि इसके पास सचमुच एबिलिटी है। सेंसिटिव होता है हम देखते हैं एल्डर सेंग्याओ को जो की सभी को ओर देखते हुए कहता है क्या तुम सभी तैयार हो। ये सुनने के साथ ही सभी लोग धीरे से नोट करते हैं। अब उन सभी को तैयार देख एल्डर सेंग्याओ पीछे आ गए थे। इसके साथ ही उन्होंने सेकंड ट्रायल को स्टार्ट कर दिया। इसके अगले इस पल आसमान से कई सारे एनर्जी क्रिस्टल आने लगते हैं जो की आते ही उन सभी से हिट होने की कोशिश करते हैं, बट इसके लिए ऑलरेडी वो लोग तैयार थे इसलिए उन्होंने अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए सभी अपने आप को बचाने लगते हैं। इसके साथ ही उन्हें अपने पास सेव करने लगते हैं। सेंसिटिव टू कर धर्म सावन को देखते हैं जिसने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बिखेरा नहीं था बल्कि उसने अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से यहाँ पर एक हैंड बना लिया जिसकी मदद से वो एनर्जी क्रिस्टल को इकट्ठा कर रहा था। अब जैसे सावन स्पिरिचुअल हैंड से उन्हें कैप्चर करता है तो उसे पता चलता है कि ये सचमुच हैवी है। इस थॉट के साथ ही सावन अपने आसपास देखता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि आसपास के लोग सचमुच इसे संभाल नहीं पा रहे। और कुछ ही समय के अंदर चू क्लैन और बाई क्लैन के मेंबर उसने अपने आप को गिव अप कर लिया था, यानी कि वो हार मानकर पीछे आ गया था। और अभी उन दोनों के पास 30 से 40 आ चुके थे एनर्जी क्रिस्टल्स। अब उन दोनों के पीछे जाते कुछ ही समय के अंदर हम साउसू को देखते हैं जिसकी भी हालत खराब होने शुरू हो गई थी, इसलिए वो भी अपनी हार को एडमिट करके पीछे आ गया जहाँ पर अभी के समय उसके पास आ चुके थे 56 एनर्जी क्रिस्टल्स जो कि पिछले 2 मेंबर से ज्यादा थे। अब इन तीनों के पीछे जाते यहाँ पर सिर्फ 2 लोग बच चुके थे, एक तो सावेन और दूसरा डेंचुआन। अब यहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचे हुए थे इसलिए ये ट्रायल और भी एक्साइटिंग हो गई थी, बट ये चीज ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि कुछ ही समय के अंदर डेंचुआन भी समझ चुका था कि अब उसे हार मान लेना चाहिए, इसलिए वो गहरी सांस छोड़ता है और कहता है मैं अपनी हार को एडमिट करता हूँ। ये कहने के साथ ही वो पीछे आता है और इसके साथ ही अभी के समय उसके पास 66 क्रिस्टल आ चुके थे। अब जैसे डेंचुआन ने अपनी हार को एडमिट किया उसी समय हम सावन को देखते हैं जिसके सिर पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही उसने एनर्जी क्रिस्टल को कैच करना बंद कर दिया और अपने हाथों से एक चुटकी मारता है जिस वजह से वहाँ पर जितने भी सावन ने अभी तक क्रिस्टल को जमा किया था वो सभी वहाँ पर सस्पेंडेड हो जाते हैं। जब दूसरे लोग सावन के एनर्जी क्रिस्टल को काउंट करते हैं तो सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। इसके साथ ही वो कहते हैं 93 क्रिस्टल्स जो की वाकई में बहुत ज्यादा थी। इसके साथ ही उसने सावे की रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया। इसी के बारे में जब सावे सुनती है तो खुद सरप्राइज हो गई थी। इसके साथ ही वो एक झटके से अपनी सीट से उठ जाती है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है इस लड़के ने सचमुच ये कर दिया, ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही आगे बढ़ना होगा। इधर अब हम एल्डर सेंग्याओ की तरफ देखते हैं जो की एक स्माइल से उसकी ओर देख रहे थे। इसके साथ ही वो कहते हैं नॉट बैड नॉट बैड, सावेन ने सावे की रिकॉर्ड को 4 क्रिस्टल से ब्रेक कर दिया था। और सावेन को देखते हुए एल्डर सेंग्याओ समझ जाता है कि उसके पास अभी भी काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई है। अब इन दोनों ट्रायल के बाद बारी थी ट्रायल नंबर 3 की, जिस वजह से एल्डर सेंग्याओ सभी से कहते हैं तुम्हारा तीसरा ट्रायल काफी इजी है, इसमें तुम्हें 5 को एक सर्कल में आ जाना है, उसके बाद तुम्हें एक दूसरे पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के अटैक का इस्तेमाल करना है और एक दूसरे पे अटैक करके एक दूसरे को हराने की कोशिश करना है। ये कहने
बजाने के साथ ही वो जैसे स्टाइल को शुरू करने वाले थे, उसी समय उस हॉल में हंसी की आवाज आने लगती है। इसके साथ ही वो एक आवाज उससे कहते हैं कि एल्डर सेंगयो आपको रुक जाना चाहिए, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे ये आवाज सभी के कानों में पड़ती है तो वो लोग उसी तरफ देखने लग गए थे। हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि सवी थी जो की एल्डर की ओर देख रही थी। इसके साथ ही वो कहती है मैं अपने मेंबर के साथ अपनी सीट को एक्सचेंज करना चाहती हूँ और मैं आप सभी को बता दूँ कि रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि जैसे अपील कॉम्पिटिशन को जो भी व्यक्ति जीतता है वो ऐसा कर सकता है। इसके साथ ही उसके लिए कोई भी मनाही नहीं की जा सकती। अब जैसे सभी लोग इसके बारे में सुनते हैं तो वो लोग सरप्राइज हो गए थे। इसके साथ ही वो सभी अपने मन में कहते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है सावेन इसलिए बीच में आ रही है क्योंकि सावेन ने अभी तक उसके दो रिकॉर्ड को ब्रेक कर रखा है, इसलिए वो सावेन से बदला लेना चाहती है। इधर सावेन भी इसके बारे में ही सोच रही थी, भले उसके चेहरे पे स्माइल हो लेकिन वो अंदर से लाल हो चुकी थी क्योंकि सावेन ने अभी तक उसके दो रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। फिर वो आगे कहते हैं कि इसके भरपाई के अंदर से मैं अपने क्लैन को टॉप 3 रैंक के अंदर से बाहर करती हूँ, मतलब अगर वो जीतेगी भी तब भी वो टॉप 3 की बाहर ही रहेगी और अगर हार भी गई तब भी वो टॉप 3 की बाहर ही रहेगी। इसका सीधा सीधा ये भी मतलब था कि ये फैमिली सेफ हो चुकी है। उसकी बातों को सुनने के बाद एल्डर सेंगयो सावेन की ओर देखने लग गए थे। इसके साथ ही सावेन भी नोट करता है। अब सावेन के सहमति के साथ ही हम सावी को देखते हैं जो की एरिना में आ चुकी थी। इसके साथ ही वो साउसू कहती है की ब्रदर साउसू आपको यहाँ से हट जाना चाहिए। ये सुनने के साथ ही साउसू भी पीछे आ गया था। इसके साथ ही बाकी के क्लैन के मेंबर्स भी सामने आ जाते हैं, यानी कि एरिना के अंदर आ जाते हैं। अब एरिना में आते ही सावी की नजर जाती है सावेन पे जो कि उसे ही देख रहा था। अब जैसे ही पांचों एरिना के अंदर एंटर करते तो इन्होंने एक दूसरे से डिस्टेंस ले लिया था, यानी कि दूरी बना ली थी। और फिर ये लोग एक जगह बैठने के साथ ही अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिलीज करते हैं। अब दूसरी तरफ हम एल्डर को देखते हैं जो की पीछे की ओर बढ़ते हुए कहते हैं स्टाइल को शुरू करो। ऐसा कहने के साथ ही हम देखते हैं उन सभी ने अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से वहाँ पर कई सारे बीस्ट बना लिए थे जो की हवा में आकर एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पर सभी की हालत खराब हो जाती है। लेकिन किसी तरह सावी और सावेन ने अपने आप को संभाल लिया था जबकि दूसरे लोग इस चीज की वजह से पीछे धकेले जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें समझ में आ चुका था कि सावेन और सावी यहाँ पर अपनी खतरनाक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीन शिफ्ट को इधर हम सावेन को देखते हैं जो की लगातार एक टेक सावी की ओर देख रहा था। इसके साथ ही उसे भी समझ में आ चुका था की सावी ने पिछली बार उसे खास कर टारगेट किया था, लेकिन किसी तरह से उसने अपने आप को संभाल लिया। इस चीज को देखने के बाद तो बाइंग काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मैं बाइक लैंड का सबसे यंग जनरेशन का यंग मास्टर हूँ, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इन दोनों की स्पिरिचुअल पावर का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। ये कहते हुए लगातार सावेन की ओर देख रहा था। सीन शिफ्ट होकर इधर हम सावी को देखते हैं जिसने अपनी आंखें को बंद करने के साथ ही वहाँ पर कुछ टेक्निक इस्तेमाल करने लग गए थे, जिस वजह से उसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है जो की ऑफकोर्स उसकी खुद की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी। इसके साथ ही उसने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक फिनिक्स बना लिया था। फिर वो अगले पल कहती है गो। ये कहने के साथ ही हम उस फिनिक्स को देखते हैं जो की सावेन की ओर बढ़ने लग गया था। इधर हम सावेन को देखते हैं जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। सावेन अपनी आंखों को तब तक ओपन नहीं करता जब तक वो फिनिक्स उसके काफी क्लोज नहीं आ गई थी। जैसे वो फिनिक्स उसके क्लोज आती उसी समय वो अपनी आंखें खोलता है। इसके साथ ही वो कहता है ब्रेक। सावेन के ऐसा कहते हैं के साथ ही वहाँ पर एक स्पेशल हैंड क्रिएट हो गया था जो की आने के साथ ही उस फिनिक्स से टकरा जाती है और ये दोनों अटैक इतने पावरफुल थे कि जमीन में भी क्रिक लाइन आने लग गए थे। बट ये चीज कुछ ही समय के लिए अप्लाई हुई थी क्योंकि कुछ ही समय के अंदर ये दोनों अटैक डिसअपीयर हो जाते हैं। इधर हम सावेन को देखते हैं जो कि एनर्जी प्रेशर से लगभग अंदाजे से 3 कदम पीछे आ चुका था। जबकि सावी की बात की जाए तो उसने अटैक किया था सावेन पे, इसलिए उसको कुछ फायदा मिला था। हम देखते हैं वो सिर्फ अपनी जगह से 2 कदम पीछे हटती है। भले ही सावी 2 कदम पीछे हटी थी लेकिन ये देखने के बाद भी सभी लोग काफी सरप्राइज हो गए थे क्योंकि किसी को पता नहीं था कि सावेन की इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो सावी को 2 कदम पीछे हटा सके, जिससे सभी को समझ में आ चुका था कि सावेन सावी का मुकाबला कर सकता है। इधर सीन शिफ्ट होता है हम चू क्लैन के और डैन क्लैन के मेंबर को देखते हैं जिसे समझ में आ चुका था कि वो दोनों यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, बस वो सपोर्टिंग कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए वो दोनों एक साथ एल्डर को ग्रीट करके वहाँ से निकल जाते हैं। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर हम बाइलिंग को देखते हैं जिसे तो ये देखने के बाद तो उससे काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करता है और इसके साथ ही वो एक फिनिश से सावेन पे अटैक करता है। इधर सावेन की नजर भी बाइलिंग पे आ चुकी थी जिस वजह से सावेन भी बाइलिंग की ओर देखने लग गया था। इसके साथ ही वो बाइलिंग से कहता है तुम्हें अपनी लिमिट को नहीं पता कि आखिर तुम्हारी लिमिट क्या है। ये कहते हुए सावेन ने अपने स्पिरिचुअल पिलर से उस पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से हम उस फिनिश को यानी कि पाइथन को देखते हैं जो कि कुछ ही समय के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है और ऐसा होते ही बाइलिंग पीछे घस कर गया था। इसके साथ ही वो खून की उल्टियां करने लगता है। इस चीज को देखने के बाद हम बाइक लैंड के लोगों को देखते हैं जिनका एक्सप्रेशन भी पूरी तरह से चेंज हो गया था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका बाइलिंग यानी कि बाइक लैंड से ये मेंबर उसका कुछ कर दिखाएगा, लेकिन यहाँ तो वो पीट चुका है सावेन के हाथों से। और जो सबसे ज्यादा उदास हुई थी वो बाइक लैंड की वही एल्डर लेडी थी जिसे सावेन ने कुछ एपिसोड पहले पीट रखा था। बाइलिंग को क्लीन करने के साथ ही सावेन की नजर आ चुकी थी सावी पे जो की उसी की ओर देख रही थी। इसके साथ ही उससे कहती है मुझे पता है हम दोनों के पावर लेवल में काफी
काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे तीन अटैक को ब्लॉक कर लो। अगर तुम मेरे तीन अटैक को रिसीव करने के बाद भी बच जाते हो तो मैं यहाँ से खुद ही हार मान के पीछे हट जाऊंगी, या फिर तुम इससे बच भी सकते हो यहाँ से पीछे हटकर, इससे तुम्हारी सेकंड पोजीशन पक्की हो जाएगी। तो बताओ आखिर तुम किसे चुनते हो, पहले नंबर को या फिर दूसरे नंबर को? ये सुनने के बाद सभी लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे। सभी लोग चाहते थे कि सावन इसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि इन दोनों ने अपनी पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट अभी तक नहीं किया था। अब जैसे कि सावन इस सीरीज का हीरो है तो मुझे नहीं लगता कि सावन यहाँ से पीछे हटेगा, लेकिन सावन इसे जीतना भी इतनी आसान नहीं होने वाला। तो इसीलिए आप मुझे कॉमेंट करके बताएं आखिर इन दोनों की लड़ाई हुई तो आखिर कौन जीतेगा, और वो भी कितने अटैक के अंदर। इसके साथ ही अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो के अंदर 200 लाइक्स कंप्लीट करवाएं। जैसे इस वीडियो पे 200 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो मैं कल अपलोड कर दूंगा जल्दी। खत्म।